नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीति का खारा में। लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट द्वारा ईवीएम को लेकर किए गए खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तलवारें खींच गई हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि यह सब आयोजन कांग्रेस प्रायोजित लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि हैकर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और इनका कोई सबूत भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं भी कई बार लंदन गया हूं, लेकिन कभी आशीष रे का नाम नहीं सुना। जो इनवाइट भेजा गया था उसमें लिखा था कि हैकर सभी के सामने ईवीएम हैक करके दिखाएंगे, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुंह पर कपड़ा ढककर बैठे रहे और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2019 चुनाव हारने के बहाने ढूंढने में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि हैकर इस तरह के आरोप लगाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने तीन मुख्य बिंदु भी उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा इन आरोपों में दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को लाया गया क्योंकि वह जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है। एम्स के डॉक्टर ने भी पुष्टि की कि उनकी मौत एक्सीडेंट के कारण हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरा वो दावा कर रहे हैं कि सभी चुनाव गड़बड़ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव सही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हैकर ने सिर्फ आरोप लगाए पर कोई सबूत नहीं दिया, ना ही किसी सवाल का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल आखिर वहां क्या कर रहे थे, क्या वो कांग्रेस की ओर से मॉनिटरिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल पहले भी राम जन्मभूमि, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग जैसे मामलों में अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से 2014 के जनमत का अपमान किया जा रहा है। तब तो यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब हम कैसे ईवीएम हैक करा सकते थे। उन्होंने सवाल दागा कि क्या यह कांग्रेस का कैम्ब्रिज एनालिटिका पार्ट टू है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को 20 साल से काम कर रहा है, यूपी में मायावती जीती, अखिलेश जीते और अब कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक है। आपको बता दें कि सोमवार को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा ने खुलासा किया कि 2014 में ईवीएम में धांधली हुई थी। इसके अलावा हैकर ने यह भी दावा किया कि 2015 के दिल्ली चुनाव में उन्होंने आपके लिए ईवीएम हैकिंग की थी। इतना तो तय है कि राहुल गांधी के अंदर जो सत्ता पा लेने का उतावलापन है वो उन्हें हर तरह के हथकंडे अपनाने पर मजबूर करता जा रहा है और राहुल गांधी अच्छे और बुरे के बीच के फासले को मिटाते जा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जनता अब राहुल गांधी के झूठ और साजिश से उबती जा रही है और उन्हें तथा कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा 2019 लोकसभा चुनावों में चुकानी पड़ सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।